YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे मेरे सामने पड़ा हुआ है गोराइश पाउडर, सूथिंग लोशन, एक छोटी सी डिब्बी है। इसमें क्या है आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में इसका रिव्यू भी दिया हुआ है। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही इतनी अच्छी रैशेज क्रीम बनाने जा रही हूँ जिसके अमेजिंग रिजल्ट है, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैंने खुद इसको ट्राई किया, मैंने अपने बेबी को लगाया तकरीबन 3 से 4 दिन और आपको मैं बताऊँगी कि उसके रिजल्ट्स कितने अमेजिंग है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको आपने बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपने छोटी सी बॉल लेनी है, एक आइसक्रीम स्टिक ले लें, कोई चम्मच ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ईजी से आप वो ले सकती हैं। तो ये है मदर केयर वालों का गोराइश पाउडर। वैसे तो गोराइश पाउडर और बहुत सारे, लेकिन मुझे जो अच्छा और ज़बरदस्त जिसके रिजल्ट लगते हैं वो मदर केयर वालों का है। मैं स्टार्ट से इसको यूज़ करती हुई आ रही हूँ, मतलब कि रूहान की बार भी मैं इसको यूज़ किया था और एयान बारी भी इसको यूज़ किया था। अब हुरैन फातिमा की जब पैम्पर, जाहिर से पता हुरैन फातिमा का भी पैम्पर छूटा नहीं है, तो उसको भी मैं यही लगाती हूँ। और ये है सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन है, वाइटनिंग है, टी ट्री ऑयल से बना हुआ है, तो ज़बरदस्त है, इसके अमेजिंग रिजल्ट है। ये भी आपको पता है कहीं, मतलब कि आप थ्रेडिंग वगैरह करवा लें, आपकी हल्की सी लाइंस बन जाती है, या फिर आप कुछ भी करें आपके फेस पे या हैंड पे या कहीं भी स्किन पे बॉडी पे आपके कहीं भी लाइंस आ जाएँ या फिर आपके वो रैश हो जाए, तो इसको लगाने से आपके रैशेज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है मेरे पास वो है, सॉरी फ्रेंड्स याद भूल गया मुझे क्या है मेरे पास डिब्बी नज़र आ रही है, ऊपर नाम नहीं ना लिखा, राजा क्रीम है मेरे पास। तो ये जो राजा क्रीम है आपको पता है ये जितने भी दाग धब्बे निशानात है उसको रिमूव करती है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आपके रैशेज़ भी ख़त्म होते हैं, आपके दाने दाग धब्बे जितने भी आपके रैशेज़ के निशान होते हैं ये रिमूव करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्यारी सी और सिंपल सी जो है वो गो रैश क्रीम बनाने जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्रीम की तरफ चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन की क्वांटिटी आप इतनी लीजिएगा कि आप इसको एक वीक यूज़ कर लें, एक वीक आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर लें या बाहर यूज़ कर लें तो ये ख़राब नहीं होगी, क्वांटिटी आप इस हिसाब से ले लें, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी ले रही हूँ, तो मतलब तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है मैंने इसको, ना वो नहीं किया नाप तोल के मैंने नहीं लिया। तो ये मेरे पास है गोराइश पाउडर जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो मैं इसको तकरीबन इतना डालूंगी कि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ना हो जाए, मतलब कि ये मिल्की मिल्की सा आ जाए, मुझे लगता है ये तो ख़त्म ही होने वाला है मेरा, या फिर इसके जो सुराख है वो बंद हुए हैं, पता नहीं क्या है इसको, थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो ये देखें इस तरह से करके, तो अभी मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे ताकि ज़्यादा थिक भी ना हो जाए। तो ये देखें आपने इसको साथ साथ डालते जाना ताकि इसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा थिक ना हो जाए, और ना ज़्यादा थिन रखना, ना ज़्यादा थिक रखना, नॉर्मल इसका टेक्सचर आपने रखना है, ठीक है। तो ये देखें अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डालूँगी पाउडर, इंसल्ट करवा रहा है ये मेरी देख लें आप सब, निकल ही नहीं रहा, ये देखें अब निकला थोड़ा सा। तो ये देखें इसके सुराख शायद ना बंद हो गए हैं, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका और थोड़ा सा डाल लिया ताकि ये ना थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, ज़्यादा नहीं आपने करना। अभी मैं इसके अंदर स्पून को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी राजा क्रीम। राजा क्रीम जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपके रैशेज के निशान को जो है वो रिमूव करता है, ये बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बहुत ही सस्ती और इजी से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन जितना मैंने सूथिंग लोशन डाला था उतनी ही मैंने ये राजा क्रीम डालनी है, तभी मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। इस तरीके से साइडों से साफ कर लें ताकि इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आपने इसको एक छोटे से कंटेनर में सेव कर लेना है, इसको फ्रिज में रख लें या फिर बाहर रख लें, अपने ड्रेसिंग टेबल पे जिधर भी आपको इजी लगे, या फिर अपने वॉशरूम में रख लें। जाहिर सी बात है जब भी आप बच्चों का पैम्पर चेंज करते हैं तभी आपको ज़रूरत पड़ती है, पास होगी तो आपको
आप याद नहीं भूलेंगे, तो इसको लाजमी लगाएं रात को सोते वक्त, तो इसको आप लाजमी अप्लाई करें ताकि आपके बच्चों के रैश ना हो। इसको मैंने इसको सिर्फ दो बार लगाया था और मेरी बेबी के रैश जो थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये देखिए आपने इस तरह से लगाना है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दुआ में मुझे याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।